बात करें दोस्तों कि बिल डेट क्या होता है। डियर यूट्यूब फैमिली, अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या क्रेडिट कार्ड लेने वाले हैं तो कम से कम क्रेडिट कार्ड की बेसिक जानकारी होना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर बेसिक जानकारी आपको रहती है तो उसकी वजह से आपको कभी भी फ्यूचर में कोई भी नुकसान ना उठाना पड़ जाए, कोई भी लॉस ना हो आपका, इसलिए आपको उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको 5 पॉइंट ऐसा कवर करने वाला हूँ जो कि हर यूजर्स को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों यहाँ 5ों पॉइंट क्या होंगे, यानी 5ों क्वेश्चंस क्या होंगे, 5ों के आंसर क्या होंगे, मैं सब कुछ यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। सो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में ये भी हो सकता है कि पहला क्वेश्चन ये है कि बिल डेट क्या होता है, बिल डेट क्या होता है। नंबर दूसरा क्वेश्चन हमारा ये होता है कि ड्यू डेट क्या होता है। नंबर तीसरा हमारा मिनिमम ड्यू अमाउंट क्या होता है। नंबर चार टोटल ड्यू अमाउंट क्या होता है। नंबर पाँच अनबिल्ड अमाउंट क्या होता है। ये 5ों चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इन 5ों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने वाला हूँ, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपको फ्यूचर में यूज करने में क्रेडिट कार्ड को कोई भी प्रॉब्लम ना आए और किसी भी तरीके से आप अपना कोई बिल मिस ना करें, कोई भी पेमेंट मिस ना करें जिसकी वजह से आपको कोई भी फ्यूचर में चार्जेस लगे या आपको कोई भी सिविल डाउन हो पाए। सो दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। बात करें दोस्तों कि बिल डेट क्या होता है। बिल डेट यानी कि स्टेटमेंट की डेट, जिसे हम कह सकते हैं स्टेटमेंट की डेट। हर क्रेडिट कार्ड का बिल एक फिक्स डेट को जनरेट होता है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिसका बिल हर महीने की 15 तारीख को जनरेट होता है, इसीलिए हम उस डेट को कह सकते हैं कि बिल डेट हुआ वो। बात करें दोस्तों कि ड्यू डेट क्या होता है। ड्यू डेट का मतलब पैसे देने की तारीख। जो भी हम पूरे महीने में खर्च करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, उसका जो बिल जनरेट होता है, बिल जनरेट होने के बाद हमें 20 दिन का टाइम मिलता है पेमेंट को करने के लिए। जो 20वां दिन होता है वह ड्यू डेट कहलाता है। दोस्तों इसे हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। मानते हैं 15 तारीख को मेरा बिल जनरेट हो गया, 15 दिन के बाद से मेरे को 20 दिन का टाइम मिलता है अपना बिल को पे करने के लिए। जो हमारा 20वां दिन होगा वो हमारा ड्यू डेट कहलवाएगा। जैसे कि मानते हैं जनवरी में 15 तारीख को जब मेरा बिल जनरेट हुआ, 20 दिन मुझे और मिला। अगर 31 का महीना है तो 16 दिन ये हो गए, 4 दिन हमारे अगले महीने में चले जाएंगे फरवरी में। तो यानी कि 4 फरवरी को मेरा ड्यू डेट होगा, यानी कि उस दिन तक मुझे पैसा पे करना है, उसी को हम ड्यू डेट कहते हैं। बात करें दोस्तों कि मिनिमम ड्यू अमाउंट क्या होता है। मिनिमम ड्यू अमाउंट का मतलब हुआ कम से कम देने वाला पैसा। मिनिमम ड्यू अमाउंट आपके टोटल ड्यू अमाउंट का ही एक हिस्सा होता है। इसका कैलकुलेशन टोटल ड्यू अमाउंट का 5% के आसपास होता है। अगर किसी महीने में आपके पैसे की प्रॉब्लम हो जाए तो आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर सकते हैं, जिससे आपको एक महीने का टाइम मिल जाएगा अपने पेमेंट को क्लियर करने के लिए कुछ इंटरेस्ट के साथ, और आप लेट चार्जेस से बच सकेंगे। लेकिन आप हमेशा अपना फुल पेमेंट करें, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी इस तरह का एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की जरूरत ना पड़े, ना ही आपके सिविल पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट पड़े। बात करें दोस्तों कि टोटल ड्यू अमाउंट क्या होता है। टोटल ड्यू अमाउंट का मतलब ये हो गया कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड से जो भी खर्चा किया हुआ है, फिर आपका जो बिल बनकर आ जाता है, बिल में बन के आने के बाद आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट और टोटल ड्यू अमाउंट कहा जाता है पे करने के लिए। टोटल ड्यू अमाउंट का मतलब ये हो गया कि जो भी आपने खर्चा किया है आपके बिलिंग सर्कल के दौरान, आपका जो बिल जनरेट होकर आया हुआ है, जो टोटल अमाउंट आप पे करेंगे वही आपका टोटल ड्यू अमाउंट कहलाता है। जैसा कि एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, मेरा जो बिल है 15 तारीख को अगर जनरेट हो रहा है तो 15 तारीख के बाद से लेके 16 तारीख तक, यानी अगले महीने में 16 तारीख तक, यानी टोटल मान के लें एक महीने के बीच में मैंने जो भी खर्चा किया वो अगले महीने बिल जनरेट होगा, तो जो भी बिल जनरेट होता है उसमें एक टोटल ड्यू अमाउंट, एक मिनिमम ड्यू अमाउंट आएगा। तो जो टोटल ड्यू अमाउंट आएगा मुझे उसी को पे करना होगा, उसी को हम टोटल ड्यू अमाउंट भी कहते हैं। अब बात करें दोस्तों कि अनबिल्ड अमाउंट क्या होता है। अनबिल्ड अमाउंट आपने देखा होगा कई बार आपके, मतलब कोई भी एप्लीकेशन या कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं वहाँ पर शो करता है। अनबिल्ड अमाउंट का मतलब ये होगा कि आपके स्टेटमेंट में वो अमाउंट ऐड होकर नहीं आया हुआ, ऐड नहीं हुआ है। अगर आपका बिल जनरेट हो जाता है उसके बाद आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो, जो भी खर्चा करते हो, वो अनबिल्ड अमाउंट में जाता है। 15 तारीख को जब मेरा बिल जनरेट हो गया तो 16 तारीख को जो भी मैं खर्चा करूंगा वो इस बिल में तो आया नहीं है, वो अगले बिल में आएगा, तब तक के लिए वो अनबिल्ड अमाउंट ही शो करेगा। जैसे समझते हैं कि मान लीजिए मैंने 16 तारीख को कोई भी पैसा खर्च किया, वो अनबिल्ड अमाउंट में शो कर रहा है, जब अगले महीने 15 तारीख आएगी तो उस बिल में जब जनरेट होगा उसमें जाकर वहाँ पे जुड़ जाएगा, तब तक के लिए अनबिल्ड अमाउंट में ही शो करेगा। और दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूँ, जो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई 50 दिन का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है।
अगर 15 तारीख को जब मेरा बिल जनरेट हुआ और मैं 16 तारीख को जब भी कोई भी खर्चा करूंगा तो मुझे अगले महीने 15 तारीख के बिल में जनरेट होगा, तब मुझे पे करना होगा, फिर मेरे को 20 दिन का टाइम और मिलेगा। तो अब क्या होगा, टोटल एक महीना यहाँ 20 दिन वहाँ, टोटल करीब करीब 45 से 50 दिन का टाइम मिल गया। तो जो कहते हैं ना 45 से 50 दिन का टाइम, वो ऐसा ही होता है। अगर आप सही समय यही होता है खर्च करने के लिए, हालांकि आपकी ज़रूरत है कभी भी खर्च कर सकते हो, लेकिन अब ऐसे खर्च करते हो यानी कि 15 तारीख को बिल जनरेट हुआ 16-17 तारीख में, तो आपको कम से कम 45 से 50 दिन का टाइम मिल जाता है। सो दोस्तों, ये बेसिक 5 जानकारी थी जिसका होना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी था। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।